हमने 200-300 बंदों को रिफ्यूजियो को जिनके पास पासपोर्ट नहीं जिनके पास वीजा नहीं है होल में आप रख दोगे तो वो सही नहीं है जो यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बोल रहे हैं तो इसलिए वो भाई ना आग उग लगा रहे हैं बंदों को भाई ना जैसे कि थोड़ा सा ध्यान से मैं तो बोलूंगा जो आप इंडियंस इमिग्रेंट्स आयरलैंड में इस टाइम रह रहे हैं पहले तो भाई ना ये वीडियो थोड़ी सी चेक कर लो फिर इनके बारे में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देंगे इमिग्रेशन इज चेंजिंग आयरलैंड लुक्स लाइक In November, the issue exploded onto the streets literally. It fucking love it. Fucking love it. Loving it. Loving it, brother. I love I can't go over there. I'm like you. I'm the same as you. Has to go up everywhere. Absolutely, 100%. Girls. You can see the flames now and no. on. Yeah, felt. felt. That some are objecting to. Scumbags! During it's doing it's the Dublin riots back. in November, the issue exploded onto the streets literally. हाँ बैना जैसे आपने ये वीडियो क्लिप्स वगैरह चेक करी है ना भाई आपके लिए शॉकिंग होनी हमारे लिए खुद ये शॉकिंग है क्योंकि हम दो तीन दिन पहले वहीं से गुजर रहे थे लेकिन बैना बहुत ज्यादा ड्राउना सीन था जो भी डिलीवरी वगैरह करते हैं आज के टाइम में डिलीवरीज की जॉब कर रहे हैं देसी इंडियंस आस जो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा बही सतर्क कर रहे हैं एक बंदे को तो हमने देखा भी था वो वापिस मुड़ गया था भाई अपने डिलीवरी लेके आ रहा था बही बेचारा ना साइकिल पे तो वो जैसे इमिग्रेंट प्रोटेस्टर ने देखा तो उसने वापस यू टर्न मार लिया क्योंकि उसको सेफ नहीं लगा वहां से गुजरना क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं और उनको ये नहीं पता है कि इसको बंदे के साथ हम क्या कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रहे नए बंदे जो इंडिया से आ रहे स्टूडेंट आ रहे हैं वो थोड़ा सा डरो मत ये कि थोड़ा सा सतर्क करो क्या कहेगा ये जो नए बंदे आ रहे हैं, उनको पता दो तरह के साउथ है नॉर्थ है बट ये ना आपको शुरू में तो पता नहीं लगेगा भाई ना हाँ। नए बंदे आ रहे हैं नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो इन वीडियोज में जैसे आपने चेक कर बहुत ही ज्यादा खतरनाक माहौल इस टाइम आयरलैंड में इस टाइम दो

तो जैसे आप भाई आप आयरलैंड में लैंड होते हो तो किसी के पास जा रहे हो पहले तो आसपास देखो अपना माहौल चेक करो और आसपास के अपने नेबर से अपने फ्रेंड से पता करो भी हम सेफ़ जगह पे हैं या नहीं है डजेंट मैटर वो आपको बोलते हाँ भाई हम तो सेफ जगह पे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट फिर भी भाई आपने क्या करना रात के टाइम जब आप निकलते हो थोड़ा सा भी ना ध्यान से एयरपोर्ट वगैरह भी ना वो ना लगाओ कान में साथ में अपना फ़ोन वगैरह बात करते जा रहे वो ना करो ये सबसे जरूरी चीज़ें क्योंकि फ़ोन ना छीन के भाग सकता है बंदा और हेडफोन लेके तो हाँ, 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 मुझे है ना एक भाई हम पटना में तो वो उसने मेरे से बोला था कि मैं आपके साथ जैसे ने वो कैमरा फेस नहीं कर पाएगा मगर चलो कोई दिक्कत नहीं है उसने मेरे को अपनी स्टोरी बताई है उसको भाई ऐसे पंच वगैरह मारे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था उससे अपना फोर्स फोन वगैरह छीनने की कोशिश करे वो कैमरे पे नहीं आ पाया बंदा बट उसने मेरे को जो सिचुएशन बताई ना मैं खुद देख के सुन के होते हैं ना थोड़ी इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी वगैरह बोलते हैं उनको उनके पास ना कुछ होता है मतलब हथियार लेके रखते हैं कुछ ना कुछ ऐसे मार देंगे मुक्का मार देंगे पे बॉक्सिंग तो तो करते हैं बिल्कुल भाई आप तो... भी सोच रहे यार इसको तो मैं मार दूंगा बट आप बिल्कुल भी, भी भाई ना इन चक्रो में मत पड़ना तो यही है तो तुकि... ये भाई सारा एक्सप्लेन है अपना आयरलैंड में करंट सिचुएशन जो हो रही है रिफ्यूजी इमिग्रेंट यानी कि इमिग्रेंट एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो होपफुली भाई अब वो चीजें क्लियर होगी हो नहीं है फिर भी आप गूगल करके देख सकते हो बट नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो क्या क्या बातों का ध्यान रखे देखो हमारे हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी बन जाती है YouTube चैनल चला रहे हो सचिन भाई कुछ तो बता दो नए स्टूडेंट जो इंडिया से आ रहे हैं कहीं से आ रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे हैं क्या क्या हमको सलाह दोगे भाई यहाँ पे आने से पहले दलवित भी भाई एक साल हो गया यहाँ पे एक्सपीरियंस इसका भी एक्सपीरियंस लेते हुए मैं भी अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे तो आयरलैंड में जैसे अब नवा स्टूडेंट आ रहा है तो क्या बोलेगा उनके बारे में ना तो सबसे पहले तो कि यहाँ भी अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो क्या सीख के आए और क्या क्या चीजें लेके आए अपने साथ है ना जो अगर स्टडी से रिलेटेड मैं बोलूंगा तो हाँ भाई और एम एस लैपटॉप हो गया ठीक तो है, है, है और पीपी पावर पॉइंट हो गया ये चीजें तो एक नॉर्मल सी बेसिक चीजें यहाँ जो डिपेंड जो 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 हाँ। करता, करता है वो आपको मतलब कि प्रैक्टिकल सेशन जो सारा कुछ होगा ना वो ऑनलाइन या फिर लैपटॉप पे ही होता है मोस्टली तो ये जरूरी है उसके लिए। और साथ में भी ना नया फोन लेने की जरूरत है वो ही ले आओ। इंडिया की सिम यहाँ पे नहीं चलेगी ना इंडिया के बजाय यहीं से अपना सिम लेना ले ले यहीं से अपना कोई भी नंबर ले लेना ले ले वो चल जाता है ना तो दूसरा इंडिया से ही सीवी बनवाए सीवी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो आपका लिंक है जिस बेस पे आपको कॉलेज के बाद जॉब मिलने वाली है

आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसको अपना कॉपी पेस्ट करके अपना नाम वगैरह चेंज कर दो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भाई जरूर डालो फूड का भी कुछ कभी क्योंकि अगर आप प्लेन लिख दोगे कि मैंने तो कोई एक्सपीरियंस तो आपको जॉब मिलनी भाई मुश्किल हो जाती है।, बंदे होते है ना जो अपने एक...

जुकाम की और फीवरिटाम लेके ले ले आते हैं आपको कोई भी दवाई देगा ऐसे नहीं अभी आप पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सात साठ सत्तर ईयर आपको डॉक्टर के देने पड़ेंगे उसके बाद वो लिख के देगा फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई मिलती है भाई मेडिसिन मिलती है अपने किसी भी फार्मेसी से तो ये लंबा प्रोसेस है होता है कि भाई आपको बुखार

ये सिर्फ मतलब कि आपको सर्च करना पड़ेगा खुद ही जाके कि घर के लिए जॉब के लिए सब कुछ अपने आप करना पड़ता है या मतलब कि ना बिना इंडिया से बैठे हुए अपना ना जैसे आते हो ना वीजा लग जाते बिना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को बिल्कुल ये देख लो कि भाई अब आपने ही सब कुछ करना रोटी भी बनानी हमारी है, वहाँ थिंकिंग होती है देखो मैं भी इस टाइम से गुजरा हूँ हमारी वहाँ थिंकिंग होती है फाइल लग गई फ्लाइट होगी अपना चलो मिल गएगी उसी में जंप मार के ड्राइव पे बट यहाँ पे डिफरेंट लाइफ होती है अपने आप खाना बनाओ साफ सफाई सब कुछ ना अपने आप ही बंदे को करना पड़ता है अपने आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो छे महीने साल थोड़े से आपको हार्ड लगने वाले यहाँ पे पड़ोसियों को पड़ोसी को नहीं और साथ में सोचो आते भाई मैंने गाड़ी ले लेनी है जैसे पहुंचूंगा एक दो गाड़ी